स्वागत है आपका एससीएन न्यूज़ इंडिया में। आज हम बात करेंगे जिन्होंने अपना जीवन राजनीति में यापन कर दिया, भाजपा से जिला उपाध्यक्ष श्री देवी सिंह जी ठाकुर के बारे में। आज हमारे बीच भाजपा से जिला उपाध्यक्ष श्री देवी सिंह जी ठाकुर से बात करते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आप जिला उपाध्यक्ष के इतने बड़े पद पर हो, आपकी कार्य करने या विकास करने की क्या भूमिका? सर्वप्रथम तो मैं एससीएम न्यूज़ को बधाई दूंगा कि आपका जो ज़िले भर में नेटवर्क है काफ़ी सराहनीय है और आपके द्वारा शासन प्रशासन को जगाते हुए जो विकास के मुद्दे हैं और जो समाज में जो भी बात रहती है आप प्रमुखता से उठाते हैं। रही बात मेरे जिला उपाध्यक्ष बनने को लेकर, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी में वर्षों से काम कर रहा हूँ और मैं मेरी नियुक्ति पर हमारे जिला जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं का आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे ये जानकारी सौंपी। और आपने बात करी कि जिला उपाध्यक्ष रहते हुए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, तो समाज के अंतिम व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और मेरी भी ये सोच है कि जो हमारी जनकल्याणकारी सरकार जो योजना चला रही है उसका क्रियान्वयन सही रूप से सही हितग्राही को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो हमारा संगठन ये प्रयास करता है कि हम उनको शासन की योजना का लाभ दिला सके। सर, पूर्व में आप ग्रामीण मंडल अध्यक्ष रह चुके हो और नया संगठन गठित होने के बाद आप जिला उपाध्यक्ष के पद पर प्रभार, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक नई प्रगति या नई दिशा में आप विकास का काम करें? भारतीय जनता पार्टी विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जहाँ पर बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। संगठन में अलग अलग जवाबदारी समय समय पर दी जाती है। मैं युवा मोर्चा से काम करते हुए युवा मोर्चा में अध्यक्ष भी रहा, जिला मंत्री भी रहा, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी रहा, नगर मंडल अध्यक्ष भी रहा। वर्तमान में हमारे नेतृत्व ने मुझे जिला उपाध्यक्ष की जवाबदारी दी है, तो निश्चित ही ये खुशी की बात तो है, लेकिन ये हमारा प्रयास रहता है कि दायित्व तो आते जाते हैं लेकिन हमारी भूमिका समाज में कैसी रहती है, हमारी भूमिका हमारे जनता के बीच हमारी कैसी रहती है, हमारे संगठन को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसको लेकर प्रयास करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जब नगर मंडल अध्यक्ष भी था तभी मैं हमारा प्रयास था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत हो और हम अधिक से अधिक हमारी पार्टी को कैसे मजबूत करें, हमारे संगठन को कैसे बूथ तक खड़ा करें, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। और जिला उपाध्यक्ष का की जवाबदारी मिली है तो अब थोड़ी सी बड़ी जवाबदारी है, जहाँ जहाँ संगठन जैसी जवाबदारी देता है उसका निर्वाह हम करने का प्रयास करते हैं। सर, देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों को सरकार की पूरी योजना का लाभ नहीं मिल पाता, तो ग्राम विकास के हिसाब से आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या करना चाहते हैं जिससे सरकार की पूरी योजना का ग्रामवासियों को लाभ मिले? आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वां जन्मदिवस का इस कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम सेवाई संगठन के रूप में हम अनेकों बूथों तक पहुंच रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे केंद्र की और राज्य की जितनी भी योजना है उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो। आपने जैसा बताया कि शासन तो योजना बनाती है, हमारी सरकार योजना बनाती है, लेकिन नीचे रूप तक उसका क्रियान्वयन सही रूप से या सही ढंग को मिलने में कहीं ना कहीं कभी तकलीफ होती है। हमारा प्रयास ये रहता है कि हम प्रशासन के अधिकारियों को समझाइस देकर बताकर और उनसे उसका सही क्रियान्वयन करवा ले और सही हितग्राही को हम शासन की योजना का लाभ दिला दे, तभी वो योजना सफल कहलाती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी सोच थी कि जब तक अंतिम छोर के व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ नहीं मिलेगा तब तक ना कोई अच्छी सरकार चला सकता है ना ही योजना अच्छी हो सकती है। हमारी रीति नीति यही रही है और हमारा प्रयास रहता है कि हमको जहाँ तक जो भी सूचना मिलती है हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी ग्राही है या जो भी जहाँ पे शासन की योजना का लाभ जिनको मिलना चाहिए कोशिश करते हैं उनको योजना का लाभ दिलाए। हमारे बूथों में हमारे कार्यकर्ता है, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमने भी अंत्योदय समिति बनाई है, हर पंचायत में उसके अध्यक्ष बनाया है, सदस्य बनाया है, उनके माध्यम से भी हम कोशिश करते रहते हैं कि वहाँ पर शासन की योजना का क्रियान्वयन सही हो रहा है नहीं हो रहा है और
हितग्राही को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। इन सब बातों को हम समय समय पर इसके मॉनिटरिंग भी करते हैं और हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से हमारे जो सर मतलब मंडल के भी अध्यक्ष है उनकी पूरी टीम है, बूथ के अध्यक्ष है उनकी पूरी टीम है और हमारे जिले की जो पूरी टीम है सतत ये निगरानी करती है कि शासन की योजना का लाभ सही हितग्राहियों को मिले और योजना का जो क्रियान्वयन है वो सही ढंग से प्रशासन करे। सर संगठन के माध्यम से जो जनता की समस्याओं का निराकरण आप जो करते हैं, आप जनता की समस्याओं का निराकरण आप जो करते हैं आपके द्वारा और आपके संगठन के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है और क्या रणनीति होती है आपकी? देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य सेवा, जैसे सेवा ही संगठन काम कर रहा है, हमारा उद्देश्य समाज का विकास कैसे हो, समाज जो है विकास के मुख्य धारा में कैसे आए और जो गरीब तबके के लोग हैं, जैसे हमारा क्षेत्र ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी हमारे वनवासी बंधु यहाँ पर निवास करते हैं, इनको सही जानकारी नहीं रहती है, जानकारी के अभाव में वो शासन का सही योजना को सही लाभ नहीं ले पाते हैं। फिर भी आपके माध्यम से और हम लोगों के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि हम जन शासन की योजना का जन प्रसार प्रचार प्रसार करें और कोशिश रहती है कि योजनाओं का जब प्रसार प्रसार हो तो उसका क्रियान्वयन भी सही हो। तो हमारी जो टीम है ये सतत प्रयास करती है क्योंकि हमको जब हम किसी को मदद करते हैं तो हमें एक सुखद अनुभूति होती है और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य यह है कि आपको सेवा के माध्यम से ही सेवा के माध्यम से राजनीति करना है और हमारा उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम किसी गरीब तबके को या जिनको कहना चाहिए कि लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको हम लाभ दिलाकर ही हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले भी आपने देखा है कोरोना काल की महामारी फैली हुई थी, अनेक राजनीतिक दल हमारे देश में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन आपको हर जगह सेवा करते हुए रोड पे गांव में सब्जियां बांटते हुए फल बांटते हुए और अस्पतालों में सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आपको दिखा होगा। मैं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ, निश्चित रूप से आप देख लेंगे कि इतने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए भी हम समाज के बीच में चाहे सुख हो चाहे दुख हो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा खड़ा है और हमारा प्रयास ही रहता है कि हम समाज के हर सुख दुख में उनके साथ में रहें, यही हमारी अपेक्षा रहती है। सर SCN न्यूज इंडिया में संपादक श्री राजेंद्र मास्टरअप जी और बैतूल जिला ब्यूरो चीफ अल्केश साहू के जो मार्गदर्शन में संवाददाता काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या प्रस्ताव रखें? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा आपके ब्यूरो चीफ को भी कि एक ग्रामीण क्षेत्र में मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने जो जन जागरण का अभियान चला है, चाहे शासन की योजना हो चाहे विकास की बात हो या जो भी समस्या है, जो प्रमुखता से आपका चैनल आपके माध्यम से जो आप लोग जो जितने संवाददाता है इनको भी बधाई देता हूँ कि आपका हर संवाददाता जागरूक है और कोशिश करता है कि सही समस्याओं का निदान जब तक नहीं हो जब तक आप लोग सही स्तर पर उठाकर वो उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए मैं पूरे SCN टीम को पुनः बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में आप लोग इसी प्रकार से अपनी आवाज़ को प्रमुखता से निर्भीक होकर उठाएंगे और हमसे जितना प्रयास जितना सहयोग आपको लगेगा हम हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है सर, SCN न्यूज इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।